शर्मा, आप देख रहे हैं एसपी नाइन न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत पंजाब से। पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अब तमाम तरह के सर्वे आने शुरू हो चुके हैं। जी हाँ, ये सर्वे इस बात का इशारा करते हैं कि आखिरकार पंजाब में जीत किस राजनीतिक पार्टी की होगी और किस राजनीतिक पार्टी को सत्ता मिलेगी। लेकिन सर्वे के बात करने से पहले हम बात करेंगे चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव को लेकर। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव के जो नतीजे आए हैं, इसे देखकर बीजेपी के होश उड़ गए। और साफ तौर पर यह देखा जा रहा है कि बीजेपी का ग्राफ अब तेजी से नीचे गिरता नजर आ रहा है। जी हाँ, पंजाब में जो नतीजे चंडीगढ़ के नगर निगम चुनाव के जो नतीजे सामने आए, वो बताते हैं कि जनता अब बीजेपी के साथ नहीं जुड़ना चाहती है। और किसान आंदोलन का बहुत ज्यादा फर्क यहां पर दिखता नजर आया। हालांकि अगर बात करें तो जिस तरह से चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में किसान आंदोलन का मुद्दा देखने को मिला है, किसानों का गुस्सा देखने को मिला है, इसका खासा असर उत्तर प्रदेश में भी दिखता नजर आएगा। उत्तर प्रदेश में कैसे दिखेगा, इस पर भी जरूर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल ये देखा जा रहा है कि एक और जहां पहली बार किस्मत आजमा रही आम आदमी पार्टी ने मौका देखकर जो चौका लगाया है, इसे देखकर आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बहुत ज्यादा खुश होंगे, क्योंकि वो ये बात जानते हैं कि किस तरह से पहले ही बाजी में उन्होंने अच्छी खासी जीत, उनकी पार्टी ने जीत दर्ज कर ली है। तो यहाँ पर पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच अब टक्कर दिखती नजर आ रही है। हालांकि पंजाब में कांग्रेस पार्टी को अभी और मेहनत करने की जरूरत है। चरणजीत सिंह चन्नी, जिन्हें अभी नया मुख्यमंत्री बनाया गया, उन्हें अभी और मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि कांग्रेस अभी तीसरे स्थान पर दिखती नजर आ रही है। तो यहाँ पर अगर बीजेपी को टक्कर देना है तो जाहिर सी बात है चन्नी को मेहनत करनी पड़ेगी। आने वाले समय में पार्टी के कई बड़े नेताओं को रैलियां यहाँ पर करनी पड़ेगी ताकि तीसरे से दूसरे पायदान पर कांग्रेस पार्टी आए। हालांकि पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले जो सर्वे सामने आ रहे हैं, वो बीजेपी के लिए शुभ संकेत नहीं है, बीजेपी के लिए अच्छे नहीं है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले बहुत बड़े हद तक पंजाब के अंदर बीजेपी को झटका लगता नजर आ रहा है। यानी कि पंजाब विधानसभा चुनाव में बीजेपी को झटका लग सकता है। वो बात अलग है कि कैप्टन और अमित शाह की जो मुलाकात हुई है, और उनकी मुलाकात के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि दोनों मिलकर पंजाब में कुछ करिश्मा कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव के नतीजे आए, उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि अमित शाह भले ही बड़े कोई रणनीति बना ले, लेकिन उसका फायदा उन्हें नहीं मिल पाएगा। वहीं चलते हैं उत्तर प्रदेश की तरफ, और उत्तर प्रदेश में कैसे नुकसान पहुंच रहा है बीजेपी को, यह भी समझने वाली बात है। दरअसल उत्तर प्रदेश में, खास तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, जो पूरा जाट लैंड है, जहां पर जाट गुजर की समुदायों की राजनीति होती है, और बहुत बड़े हद तक क्या देखा जा रहा है कि यहां पर किसानों की तादाद बहुत बड़े हद तक है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही राकेश टिकैत आते हैं, और यह देखा गया कि जिस तरह किसानों का गुस्सा बीजेपी पर फूटा है, और जिस तरह से किसान अभी भी यही इस बात से नाराज है कि सरकार ने केवल 3 बिल वापस लिए और बिल और चीजें थी उन पर बात नहीं हो पाई है, तो यह देखा जा रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी को बड़े स्तर पर नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी को झटका लगता है, तो जाहिर सी बात है बहुत बड़े अंतर से योगी सरकार के लिए मुश्किलें और बढ़ती नजर आएगी। बीजेपी की स्थिति इस वक्त पंजाब में तो खराब होती नजर आ रही है, उत्तर प्रदेश में भी खराब होनी शुरू हो गई है। क्योंकि एक और जहां पंजाब में देखा जा रहा है कि चुनाव से पहले जो सर्वे, वो बहुत कुछ इशारा करते हैं, और उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी की लगातार मेहनत देखकर आज योगी सरकार और मोदी सरकार के पसीने छूट चुके हैं। उत्तर प्रदेश में लगातार कांग्रेस पार्टी की मेहनत, उत्तर प्रदेश में लगातार कांग्रेस पार्टी का दबदबा देखकर ये देखा जा रहा है कि फिलहाल कांग्रेस पार्टी जो मेहनत कर रही है, जो पकड़ बनाने की कोशिश कर रही है, उसमें सफल होती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश में चुनावों से पहले कांग्रेस पार्टी अगर बहुत बड़े हद तक अच्छा खासा यहाँ पर सीटें निकाल लेती है, तो ये समझा जाएगा कि प्रियंका की मेहनत सफल होगी। दरअसल ये देखा जा रहा है उत्तर प्रदेश की जनता इस बार वोट किस आधार पर करेगी, ये समझने वाली भी बात है। उत्तर प्रदेश की जनता इस बार धर्म और जाति के नाम पर वोट नहीं कर रही है, उत्तर प्रदेश की जनता इस बार वोट कर रही है तो जमीनी स्तर के मुद्दों को ध्यान में रखकर। उत्तर प्रदेश की जनता जाहिर सी बात है ये समझ रही है कि किस तरह से चुनाव जीतने के लिए काम किया जाए। उत्तर प्रदेश की जनता
ये देख भी रही है कि मौजूदा समय के अंदर प्रियंका गांधी है जो उनके मुद्दों को उठा रही है, कांग्रेस पार्टी है जो उनके मुद्दों को उठा रही है, क्योंकि अभी तक उत्तर प्रदेश के अंदर ना अखिलेश यादव ने, न मायावती ने, न योगी आदित्यनाथ ने, अगर जयंत चौधरी की बात करें उन्होंने भी ऐसे मुद्दों को नहीं उठाया जो प्रियंका गांधी आज उठा रही है। प्रियंका गांधी युवाओं की बात करती है, रोजगार की बात करती है, बेरोजगारी की बात करती है, प्रियंका गांधी इसके साथ साथ महिलाओं की बात करते हैं, लेकिन और राजनीतिक पार्टी के नेता जो सत्ता की मलाई खाने की कोशिश कर रहे हैं उनका मकसद एक ही है, केवल सत्ता हासिल की जाए और सत्ता पर बैठकर राज किया जाए। लेकिन फिलहाल प्रियंका गांधी है जो ये चाहती है कि उत्तर प्रदेश में जनता को तमाम तरह की सुविधाएं मिल सके, उत्तर प्रदेश में जो बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार मिल सके, महिलाओं को सुरक्षा मिल सके, युवाओं को नया काम मिल सके, तो तमाम तरह से यहाँ पर काम जो है वो किया जा रहा है प्रियंका गांधी की तरफ से। लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो जैसे कि बहुत बड़े हद तक देखा जा रहा था कि जो चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव के नतीजे, इस पर कई राजनीतिक पार्टियों की नजर बनी हुई थी। चंडीगढ़ नगर निगम के जो नतीजे हैं उसने पंजाब चुनाव से पहले की स्थिति बता दिया कि पंजाब में विधानसभा चुनाव में आखिरकार होने क्या वाला है। तो यहाँ पर बहुत बड़े हद तक कांग्रेस पार्टी को अभी मेहनत करने की जरूरत जरूर है, कांग्रेस पार्टी जितना मेहनत करेगी उसका फल उन्हें जरूर मिलता नजर आएगा। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि क्या आम आदमी पार्टी जिसने बड़े अच्छे ढंग से यहाँ पर परफॉर्मेंस दी है, अच्छे ढंग से वो काम करती नजर आई और जनता का विश्वास आम आदमी पार्टी ने जीता है, तो क्या पंजाब विधानसभा चुनाव में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल सकता है, यानी कि अब बराबर की टक्कर जो है पंजाब में दिखती नजर आ रही है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में। तो फिलहाल यहाँ पर अगर चरणजीत सिंह चन्नी को अपनी कुर्सी बचानी है, चरणजीत सिंह चन्नी अगर चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री पद पर बने रहे तो इसके लिए उन्हें बड़े ऐलान करने पड़ेंगे, जनता के बीच और जाना पड़ेगा, रैलियां करनी पड़ेंगी, उन्हें बताना पड़ेगा कि पंजाब में कांग्रेस की सरकार उनके लिए और क्या काम करेगी। तो जाहिर सी बात है अगर बड़े स्तर पर प्रचार प्रसार होता है, बड़े स्तर पर काम होता है, तब जाकर जनता का झुकाव कांग्रेस की तरफ होगा। तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार रणनीतियां बनाई जा रही है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार बड़े स्तर पर काम होता नजर आ रहा है, तो ये तमाम तरह की जो रणनीतियां बनाई जा रही है, तमाम तरह से जो यहाँ पर काम शुरू होते नजर आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि फिलहाल कांग्रेस ने शुरुआत तो कर दी है, लेकिन इस शुरुआत का नतीजा कैसा रहेगा ये तो वक्त तय करेगा। लेकिन चुनावों से पहले बीजेपी के लिए एक और जहां शुभ संकेत दिखते नजर नहीं आ रहे, तो कांग्रेस के लिए अच्छी घड़ियां आनी शुरू हो चुकी है, यानी कि कांग्रेस जो काफी समय से इस बात का इंतजार कर रही थी कि जनता के बीच उनकी पकड़ एक बार बन जाए, जनता का साथ एक बार उन्हें मिल जाए, तो यहां पर जनता धीरे धीरे कांग्रेस के साथ जुड़नी शुरू हो चुकी है, धीरे धीरे जनता कांग्रेस के साथ देती नजर आ रही है, जिसका फर्क आने वाले समय के चुनाव पर पड़ेगा। हालांकि अगर बात करें ये जनता को तय करना है कि किस राजनीतिक पार्टी के साथ जाना है और किसके साथ नहीं, लेकिन जनता को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि आज कौन सी राजनीतिक पार्टी है जो जनता के मुद्दों पर बात कर रही है, ऐसी कौन सी राजनीतिक पार्टी है जो उनके साथ जुड़ती नजर आ रही है। तो ये तमाम चीजों को देखकर अगर जनता वोट करेगी तो इसका फायदा उन्हें जरूर मिलेगा। चलिए आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए, नमस्कार।